please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. झुग्गियों में रहने वाले भी पा सकते हैं अपना घर, देना होगा मामूली शुल्क। मुंबई में जिन्हें भी सन 2000 से पहले अपनी झोपड़ी बना ली थी, वो झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत एक मामूली राशि देकर अपना फ्लैट पा सकते हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैटों के लिए योग्य झोपड़ी निवासियों के लिए महाराष्ट्र स्लम अधिनियम 1971 में संशोधन करेगी। स्वर्ण जयंती पूरम भूमि आवंटन के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने FIR के आदेश दिए। स्वर्ण जयंती पूरम भूमि आवंटन मामला, जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और 30 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क के रूप में हुआ था, इसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कलकत्ता में ट्रंप टावर का लॉन्च, डेवलपर्स ने रखा है 700 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य। कोलकाता में लॉन्च ट्रंप टावर में होंगे 140 अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट। इसके डेवलपर्स को उम्मीद है कि इस परियोजना के करीब 700 करोड़ की बिक्री कर लेंगे। रियल्टी कंपनियों यूनिमार्क समूह, RDB समूह और ट्रिबोका डेवलपर्स ने अब तक लगभग 50% फ्लैट बेच दिए हैं। सेबी ने PSEL समूह फॉर्म की अकाउंट की डीफ्रीज याचिका को खारिज कर दिया। मोती इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लगाए गए प्रतिबंध, PSEL के स्वामित्व वाले बहुसंख्यक जारी रहेगा, सेबी ने अपने फैसले में सुनाया। सेबी ने ग्रुप की दलील को खारिज कर दिया कि माता पिता से 60,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामों के बाद अब शहरों में भी बनेंगे 31 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 30 लाख मकानों को मंजूरी दे दी है। 2022 तक केंद्र सरकार को सभी के लिए आवास बनाने की योजना को पूरा करने का लक्ष्य है।